नमस्कार दर्शक बंधु के न्यूज ओडिशा को आपण मानक समस्त स्वागत आपण माने अनेक समय रे जो मेडिकल आसी थांती मेडिकल रे विभिन्न प्रकार टेस्ट करिया पई डॉक्टर लेखि थांती एमआरआई कोहंतु निदान कोहंतु एउडा सब टेस्ट करिया पई जेते बेले लेखंती आपण माने प्राइवेट को जाई थांती एवं प्राइवेट रे टेस्ट करि थांती आपण खर्चांत मध्ये होई थांती तो एई खर्चांत न होबा पई सेइथिरु मुक्ति पई आमे आपण मानको ये कैपिटल हॉस्पिटल रे कौन कौन रही सुविधा से कथा जनवापी आम ये न्यूज माध्यम रे आपण को गोटे अवगत पाई यहाँ आमर प्रयास एवं आमे आमेंटी पहुँचीचु कैपिटल हॉस्पिटल रे डायरेक्टर मध्य कहे ये कौन कौन फैसिलिटी रही आउ कौन कौन ये कौ जगह को आपन जिबे कौ जगह कौन कले कौन आपंकर टेस्ट सब हो पार और मागणार केमती सब टेस्ट हो पार से कथा आपन को आम जन चाहूँ तो आसत जीवा ଏଇଠି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଥାଲେସିମିଆ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଥାଲେସିମିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ତ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କ'ଣ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ସଫର ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବି ତିନି ଚାରି ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବେ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଏଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ ତ ଏଇଟାକି ୱିଦିନ୍ ୱାନ୍ ଡେରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସାର୍ ଥାଲେସିମିଆ ରିପୋର୍ଟିଂଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 6 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପର୍ ଡେ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ରନ୍ କରୁଛୁ और हम लोग मणिपाल हेल्थ मैप का गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ ये पीपीपी मोड पे ये एमआरआई फैसिलिटी रन हो रहा है और इस फैसिलिटी में हम लोग एमआरआई कर रहे हैं एमआरआई हमारा सारे मतलब मोडालिटीज़ में होता है लाइक ऑर्थो में हो गया न्यूरो में हो गया पेडियाट्रिक में हो गया ऑन्कोलॉजी कैंसर का भी करते हैं हम लोग मेडिसिन का सारे केसेस हम लोग करते हैं उसके बाद गायनेकोलॉजी का केसेस करते हैं उसके बाद हम लोग गैस्ट्रो के केसेस एब्डोमेन का केसेस करते हैं तो ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी एमआरआई का यहाँ पर हमारे यहाँ अवेलेबल है एंड द बेस्ट थिंग कि 24/7 अवेलेबल है केस एंड इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है पेशेंट को ये टोटली फ्री है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तो हमारे जो नंबर दिए गए हैं वो पेशेंट्स के लिए दिया गया है कि अगर उनको पता करना हो कि उनका रिपोर्ट है ये क्योंकि देखिए एमआरआई क्या है ना एमआरआई में थोड़ा टाइम लगता है ये तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स लोग बहुत सारे लोग वेट नहीं करना चाहते तो कितना टाइम लगता है एक केस में इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस किस तरह का केस है 15 मिनट से लेके 1 से 1.5 घंटे तक लग सकते हैं एक केस में डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सारा फाइंडिंग्स होना है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके किस नेचर का केस है लाइक होने के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे में भी हो जाएगा लेकिन अगर मानिए कोई क्रिटिकल केस है तो इट टेक्स 1 आवर ऑल्सो 1 घंटे भी लग जाते हैं तो नंबर इसलिए दिया गया है सो दैट लोग कॉल कर सके पता कर सके रिपोर्ट के बारे में भी पता कर सके कि मेरा रिपोर्ट रेडी हो गया है कि नहीं और अगर उनको किसी तरह का कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए वो नंबर दिया गया है सर एक्चुअली एटा तो थायराइड होची थायराइड पूरा प्रोफाइल जमती कि आपंकर T3 T4 TSH टोटल थायराइड और फ्री थायराइड भी होची ता सहित सर कैंसर जितक मार्कर अमर होची CA जमती कैंसर एम्ब्रियोनिक एंटीजन C125 ओवेरियन कैंसर इन पैरामीटर्स कैंसर रे इथे हम करूछु तो हाई एंड टेस्ट जमती कहला आपंकर जोटा कि बाहर को आपन पठोचंदी प्राइवेट लैब रे बाहर को जाउची 2-3 दिन लगुच्छे रिपोर्टिंग आम ए सर विदिन 24 आवर आम रिपोर्टिंग गोटे टेस्ट के समय लगे ये आप सर एक्चुअली एमती देखिए गलत गोटे थायरएड से गोटे बैच रे आम 140 सांपल आम दे पार्छू 140 सांपल आम 27 मिनिट्स लगुचे तो से हिसाब से आमको कौन टाइमिंग सेटिंग करवाक पड़े तो जिते अर्जेंट भी चाहूँगी जो लोग अर्जेंट रोचे आम अर्जेंट भी करके दे पार्छू जी अपरेसन रहा कि रहा এটা কোন অ্যাকচুয়ালি কো রোগ এটা এটি নিদান করন স্যার অ্যাকচুয়ালি অপারেশন পরে কতগুলো হয় যেমন কি আপনাদের ক্যান্সার হেলা কি অদার কিছু ইনফেকশন হেলা তো যে পার্টিকুলার যে অপারেশন হচ্ছে যে জায়গা তো সেই জায়গায় কোন আছে সেটা ডক্টর আপনাদের জানিয়ে পেয়ে চাইছেন আমি সেটা আইডেন্টিফাই করব এই হিস্টোপ্যাথোলজি যে বায়োপসি টেস্ট আপনারা বলছেন আপনারা মানে শুনুতিলে যে নিদান কোহন্তু কি মেডিকেল রে এমআরআই কোহন্তু প্রত্যেক কথা এইখানে
କେମିତି ମାଗଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମାଗଣା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏକଥା ତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯାଇକି ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ, ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।